तो गैस मिल चुका है मुझे बहुत ही बढ़िया बढ़िया हैंडसम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्नेल। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से और एक बार। तो दोस्तों अभी मैं जाने वाला हूँ खेत की तरफ। सुबह सुबह चिकन की दुकान नहीं खुलते नहीं गया हूँ, तो जरा समय चिकन भी खरीद के लेके जाएंगे और खेत पे काम करने वाला लोग को चिकन के साथ खाना खिलाएंगे। तो यहाँ से ले लेते हैं चिकन। किलो कितना? 300। दोस्तों हमारा यहाँ पर चिकन महंगा है, तो आपके वहाँ पर काफी सस्ता होगा, तो सब लोग ऐसे ही बेचते हैं, तो क्या करेंगे भाई, तो नहीं बेचने से कमीशन नहीं मिलेगा ना भाई साहब। गर्दन पसंद नहीं मिलेगी तो सिर्फ मीठे लेंगे ले जाएंगे ना। सो दोस्तों 500 धान की लगाई भी हो चुके हैं, अभी जाऊंगा पानी लाने के लिए। वहाँ पर गिलान में मम्मी ने पानी भर के रखा है, वो चीज़ को जाऊंगा लेने के लिए। तो यहाँ पर धान की खेती हो रहा है, तो छीर फाड़ के जाऊंगा। तो अरे भाई पानी तो बहुत ही बढ़िया से आ रहा है यहाँ पर नहर का पानी, तो इसी का वजह से हम लोग बढ़िया से धान लगा पाते हैं। तो अरे यहाँ पर कुकिंग हो रहे हैं, प्रियंका जी कुकिंग कर रही है, वो बना रही है चिकन बनेगी और पम्पकिन की साग बनेगी, पत्ता बनेगी कमल कमल वाला। तो पानी वहाँ पर आके हैं, तो पानी का समस्या काफ़ी होता है इधर पे। तो बढ़िया है, धान तो लगाई हो चुकी है, हम लोग पानी पीते हैं वहाँ से। वहाँ पर गिला नज़र आ रहा है आपको, हाँ वो बोला वहाँ पर गिला पानी भर के रखा है पूल, यहाँ पर काम हो रहे हैं। सो गैस हम लोग यहाँ से पानी पीते हैं, पूरा नेचुरल पानी। तो बीच में खेत है पर खेचर है, तो यहाँ पर गिलान में पानी भर के रखा है मम्मी। तो ये कितना लीटर होगा पता नहीं, होगा शायद ये 30 लीटर के आसपास हो सकते हैं। तो मैं काम कर नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं दो ही वर्कर हायर किया हूँ मेरा जगह पे। तो अभी इसको पानी को ले आते हैं, ये गिलान तो है रेडी, पानी बनने की कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों पानी की समस्या है, तो मेरा पैंट और कपड़ा तो बिक गया, और यहाँ का पानी तो धूप के कारण गर्म हो चुके हैं। यहाँ पर लगा रहे हैं धान और हम लोग कुकिंग करेंगे बस। मेरा कपड़ा बिक गया, गिलान से पानी टपक रहा है अभी, बहुत ही चलते है भाई। तो पैंट ला चुके हैं लॉन्च, तो इसी में है कद्दू की साग और चिकन, अभी खाएंगे खाना। खाने का वक्त आ चुके हैं, और यहाँ पर है मिर्ची की चटनी चिकन के साथ, बहुत ही मस्त होते हैं ये चीज। सो दोस्तों बहुत ही गर्मी है, तो खाना वाना तो खा चुके हैं, तो खाने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया, अभी चलेंगे यहाँ से घर से, तो अपना घर की तरफ। सो दोस्तों आखिरकार पहुँच गए हूँ पे घर पे, ओ कलुआ बढ़िया कलुआ। सो अभी रेस्ट करते हैं दोस्तों, मैं खेत से आने के बाद सीधा आया हूँ यहाँ पर वीडियो अपलोडिंग करने के लिए। तो आज की टॉपिक होगा स्नेल कैचिंग, तो दोपहर को नहीं मिलता है स्नेल, तो शाम को ही मिलता है, रात को मिलता है, अभी जाने के बाद पकड़ेंगे ना स्नेल। तो हम लोग यहाँ पर बैग भी लेके आया, तो वीडियो अपलोड हो चुका है, थंचन ने अभी बिंदास। तो अभी चलते हैं सीधा नदी के ओर। गाइस अभी जंगल चीर पार के हम लोग निकल चुके हैं, अभी हम लोग का खोजना है स्नेल, नदी का प्राणी स्नेल, बहुत ही बढ़िया होता। तो गैस वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं, रिसेंटली यहाँ पर पानी का स्तर बहुत बढ़ गया था, शायद सब स्नेल भाग गया होगा या मर गए होंगे, तो फिर भी हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर दो नाला है, यहाँ पर एक तो, वहाँ पर एक तो, होगा कि नहीं होगा पूरा देखते हैं। ये लोग पूरा कंफ्यूज हो गया स्नेल ढूंढते ढूंढते। कंफ्यूज हो गया। सो दोस्तों स्नेल है ना, जितना रात होंगे इतना निकालेंगे। तो मुझे मिल चुके हैं वो 30-40 के आसपास होगा मिल चुके हैं, तो मैं और खोजता हूँ। यहाँ पर ऐसे जगह में रहते हैं पर पत्थर का कलर है, तो इसलिए तरह पहचानने के लिए तरह मुश्किल होता है। यहाँ पर एक नजर आ रहा है, यहाँ पर हाँ यही तो ये छोटा वाला है, तो यहाँ पर बड़ा वाला नजर आ रहा है, तो ये वाला बहुत ही बड़ा है सामने तो, लेकिन सामने वाला छोटा है, ये वाला बहुत ही बड़ा है भाई, ये पूरा बड़ा वाला स्नेल, बाप रे माय गॉड बहुत ही बड़ा है। कल सुबह इसको मैं फिनिश कर दूंगा। कितना मिला?
इतना मिला बस। तब तो चल मुझे मिल चुके हैं, रख। तो अभी जाएंगे उस तरफ, तो यहाँ पर थोड़ा कम हो गया इसलिए उस तरफ तो मिल सकता है, और यहाँ पर इस तरफ पे बहुत ही मिलते हैं। तो वहाँ पर पानी बहुत ही बड़े मिलता है, पूरा मतलब पानी, तो वहाँ पर जाएंगे पानी पीने के लिए। पूरा लगता है कि फ्रिज का पानी है, तो हमारे गांव का सबसे ठंडा पानी वहाँ से निकलते हैं, उसी में जाके पीऊँगा मैं। वहाँ पर कम से कम पीऊँगा आधा लीटर। इसको तो बहुत ही प्यास लग रही है ना, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर मिल चुका है स्नेल, होगा लगभग आधा किलो से ज़्यादा हो सकते हैं, 7-8 ग्राम के आसपास, तो इसी में हो जाएंगे। तो फिर भी मुकबांग विधि बनाएंगे ना, बहुत ही लेके जाएंगे। सो रिसेंटली यहाँ पर पानी का स्तर बहुत ही बढ़ गया था, इसलिए सब स्नेल नदी का वजह से भाग गया, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे स्नेल पाए जाते थे। अभी तो नहीं है, तो फिर से हम लोग जहाँ से लुट के वहाँ पर जाना पड़ेगा पानी पीने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर पाए जाते हैं हमारा गांव का सबसे ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी, और यहाँ से एक वो कुआ है ना, वहाँ से निकला है, थोड़ा नेचुरल वाटर है। और जब भी बहुत ही गर्मी लगता है तो मैं इसमें आकर कभी कभी नहाता हूँ, इतना ठंडा पानी, बहुत अच्छा लगता है, फीलिंग होता है, थोड़ा पानी पीते हैं। बढ़िया, पूरा क्लीन है, गैस यहाँ से निकलता है पानी। तो मैं अभी पीने के बाद तो मन नहीं भरा, मुझे और पीना है। ठंडा ना? हाँ बहुत ठंडा है। और यहाँ पर तो झींगा है, इसमें यह यहाँ पर पत्थर में, हाँ ये ओ भाग गया। तो ये वाला पानी बहुत ही स्पीड है, तो इसको मतलब पकड़ना बहुत ही नामुमकिन है, डाउन जैसा भाग गया, डाउन को पकड़ना नामुमकिन है, बोलते हैं ना सिरुकान, बोलता है सिरुकान। और हम लोग इस तरफ जाएंगे, तो ये इस तरफ जाएंगे बोलते हैं, वहाँ पर स्नेल बहुत है, और मुझे तो इतना दिखा नहीं दिया वहाँ पर, मेरे काफ़ी मिल चुके हैं, अभी गल जाने का वक्त आ चुके हैं। बहुत ही साफ सुथरा है पानी, वहाँ से आते हैं, एक ही कुआ से निकलते हैं पानी, इसलिए हम लोग, इसलिए मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ वॉशरूम खाने के लिए, तो इसी में मैं जरूर आता हूँ, ठंडा पानी है इसलिए, तो मैं इसी में नहाने से मेरा तबीयत खराब होता है, जरा ठंडा इसलिए है स्नेल। अरे बाय बाय, अरे मैं यहाँ पर पहले आया था 5-10 मिनट पहले, तो इतना मिलता नहीं है, तो अभी मिल निकल रहा है, सब पत्थर का नीचे छाती का छाती में रहते हैं, ये निकल रहा है स्नेल, बढ़िया बढ़िया, या डालते हैं प्लास्टिक के थैली पे। और झींगा, झींगा है यहाँ पर, एक तो झींगा, हाँ, तो ये मछली और झींगा पकड़ने में बहुत ही एक्सपर्ट है प्रियंका जी, मिला? हाँ मिल गया, मिल गया, या मिल गया। तो अभी इसको ना यहाँ से आने के बाद चटनी बना खाएंगे ना, और भी है, अरे बहुत एक्सपर्ट है, मिला? मिला, कोई बागता नहीं है, डायरेक्ट फिनिश कर देते हैं, झींगा लोकल झींगा, नदी का झींगा, सब खेत के अंदर में जाके साफ हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कल या परसों मुझे बस वो तीर से आना पड़ेगा फिशिंग के लिए, सिर्फ झींगा के लिए आ जाएंगे हम लोग यहाँ पर, झींगा झींगा झींगा। तो यहाँ पर नदी पे बहुत है स्नेल, लोकल स्नेल, वाह वाह, मिल रहा है मुझे स्नेल, ओ बाप रे, स्नेल स्नेल स्नेल, जय हो स्नेल, और यहाँ काफी है यहाँ पर। तो गैस मिल चुका है मुझे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया, हैंडसम हैंडसम, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्नेल। तो गैस खाएंगे, काली खाएंगे, वाह बढ़िया।
तो दोस्तों तुरंत पकड़ते हैं, तुरंत खाने से अच्छा नहीं होता क्योंकि स्नेल का अंदर पे मिट्टी और बालू होते हैं, तो सुबह खाने से सब निकल जाते हैं, तो सुबह खाने से बहुत ही मस्त होते हैं वो स्नेल का रेसिपी। तो अभी यहाँ पर जितना खोजेंगे इतना मिल सकता है, तो हम लोग को यहाँ पर मिल चुका है 2-3 किलो के आसपास। तो स्नेल बहुत ही बड़े होते हैं, तो मिल रहा है तुझे? हाँ, आज तो बहुत ही लेके जाएंगे यहाँ से स्नेल। यहाँ पर भी है स्नेल, बस ये बढ़िया है। बॉय इतना मिला तुझे? हाँ, बहुत ज्यादा। अरे धूप हो रहा है अभी। हाँ, स्नेल भी है, झींगा भी है इसमें। हाँ, झींगा। हाँ, दिखा दे रहा है। हाँ, दिखा। ए, भाग गया। यहाँ पर सामने। हाँ। अरे भाग रहा पकड़ मिलेगा क्योंकि ये बूटा थक गया, इसलिए मिल गया। हाँ बढ़िया, देखेगा। हाँ तुझे खा देगा तो खत्म, एक्सपर्ट है। तो दोस्तों मुझे झींगा के झुंड देकर मुझे यहाँ पर फिर से तीर से या फिशिंग करने का मन कर रहा है इसमें पूरा वो तीर से। अभी इसी में तो बहुत ही ज़्यादा है तो झींगा। तो हम लोग तो बेसिकली आए हैं बस स्नेल पकड़ने के लिए, तो और वो तीर लिखा तो बहुत ही मिलता है झींगा इस नदी पे। अरे भाई, हमारे गांव का लाइफ स्टाइल कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ही अच्छा बोलते हैं। हाँ, ये बात भी सही है, ताज़ा मिलता है हमारे यहाँ पर, मछली खाने का मन करने से खा सकते हैं, झींगा केकेरा जंगली सब्जी और जो चाहे वो खा सकते हैं, हमारे यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, पूरा फ्री है, बिंदास है। सो यहाँ पर बहुत मिल चुका है स्नेल, तो यहाँ से आधा हिस्सा वो प्रियंका जी के घर पर छोड़ के जाएंगे स्नेल, और वहाँ पर हम लोग के लिए मछली खरीद के रखा है आधा किलो जैसा, तो वो आज कुकिंग करके फिनिश कर देंगे ना। आज कुकिंग होना, कल कुकिंग होगा वो। हाँ, आज तो कल था, 2 दिन में कुकिंग करके फिनिश कर देंगे मछली। और प्रियंका जी के घर यहाँ तो यहाँ से सामने ही है, तो इसका हाथ में काफी सारे स्नेल है, तो हाथ से मतलब गिर रहा है बोल रहे है, तो मुझे इसलिए बुला रही है। बहुत ही बढ़िया, खास मोनू भाई होता, मोनू भाई के साथ स्नेल पकड़ता, और मेरा दोस्त निक हुआ वो होने से हमेशा स्नेल का बात करते हैं, तो वो आने से और फिर से उतार के खाएंगे। तो पिछले बार में मुझे मोनू भाई कॉल किया था स्नेल के लिए, उसमें एक तो है। हाँ बढ़िया, एक्सपर्ट है पकड़ने के लिए। झींगा मिला, बहुत ही मिला भाई। सो दोस्तों अभी का टाइम 6 बज चुके हैं, तो जितना रात होता है उतना स्नेल निकलता है स्नेल। हाँ बहुत ही ज्यादा है स्नेल, तो ये काफी उतर रही है पूरा 6 बजे। अभी भी उजला है हमारा यहाँ पर, सबसे पहले हमारे यहाँ पर रात होते हैं और सुबह भी सबसे पहले हमारा यहाँ पर होते हैं, तो उसका बाद धीरे धीरे एक करके होता है दूसरा स्थिति पे। सो दोस्तों ये वाला तो पहले इतना गहरा नहीं था, तो बारिश के कारण नदी का स्तर बढ़ गया था, इसलिए ये काफ़ी गहरा हो रहा है, तो रात भी हो रहा है। प्रियंका के घर पर भी चलना है, उसी में जो स्नेल उसमें आधा हिस्सा छोड़ के जाएंगे, और वहाँ पर आधा किलो मछली हम लोग के लिए खरीद के रखे हैं, तो वो भी लेने के लिए जाएंगे ना। तो शॉर्टकट जाएंगे सामने, यहाँ से बहुत ही सामने है, तो ये नदी लोग का सामने है ये। और अभी सूरज डूबने वाला है, सनसेट, सूरज डूबने के बाद नाइट होगा। तो फाइनली वो स्नेल कैचिंग समाप्त हो गया, चल मोबाइल वा, तो वो भी बना ये ब्लॉग प्रियंका ऑर्गेनिक ब्लॉग्स। मेरा फैन बहुत फैट हो गया, वेट को थोड़ा कम करना पड़ेगा।
मैं ज्यादा खाता हूँ इसलिए शायद। कुछ तकलीफ हो क्या? उल्टा हो गया ठीक करो। तो अभी जाएंगे घर के तरफ, सिग्नल लेके जाएंगे और मछली लेके जाएंगे एक्सचेंज। यहाँ से हम लोग दे चुके हैं वो सिग्नल और इसमें मछली है आधा किलो और इसमें है पारमेंट वाला बैम्बो सूट और किंग चिली। हाँ किंग चिली। अरे बाय 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 सबको। हाँ अभी चलते हैं घर की तरफ, जाने के बाद फिश कुकिंग करेंगे, बॉयल करेंगे। अरे कालू माँ तुझे आस मिलेगा मछली के साथ खाने के लिए ठीक ना? बहुत खुश हूँ ना, लेकिन तुझे सुबह सुबह गाना गाना पड़ेगा ठीक है। सो अभी मैं आया हूँ यहाँ पर, ये वाला मसाला पत्ता पूरा, ये फादर ऑफ ऑल मसाला होता है ये, तो इसको लेके जाऊँगा क्योंकि खाना है मिर्ची की चटनी खाना है झींगा के साथ। कुछ लगभग 10-12 के आसपास झींगा मिल जाना, तो मिर्ची कच्चा मिर्ची के साथ खाएंगे चटनी। इसके लिए चाहिए ये वाला फादर ऑफ ऑल मसाला, बहुत ही खुशबूदार होते हैं ये चीज़, तो शायद ये वाला आप लोग भी खाते होंगे इस चीज़ को। तो अभी नहाता हूँ, तो नहाने के बाद कुकिंग करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद बिंदास करके सो जाएंगे। एक्चुअली मैं खाना खाने के बाद सब कुछ काम होने के बाद नहाता हूँ। तो अभी कुछ लोग कमेंट करके बोल रहा है कि भैया तो खाना खाने से पहले नहाओ तो बहुत ही अच्छा लगेगा बोलता है, तो इसलिए मैं आजकल मैं खाना खाने से पहले नहाता हूँ। तो नहाते हैं सबसे पहले। यहाँ पर पानी रखा है, तो हमारे ट्यूबवेल का पानी बहुत ही ठंडा होते हैं। सो दोस्तों फाइनली तो खाना वाना तो कुकिंग हो चुके हैं, तो प्रियंका जी वो मछली बनाया है और क्या क्या बनाया? और साग भी बनाया, मिर्ची की चटनी बनाया। दोस्तों हम लोग वो कंटेंट को डिवाइड करते हैं कि कुकिंग का जरा तरह वीडियो तो वही लेते हैं, तो मैं थोड़ा थोड़ा ईटिंग कर लेता हूँ, मैं बाहर कर लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको कुकिंग का वीडियो चाहिए तो प्रियंका ऑर्गेनिक ब्लॉग में जाने के बाद देख लीजिएगा, तो डिवाइड होते हैं ना, नहीं तो सेम ब्लॉग हो जाएंगे। इसलिए बहुत लोग कमेंट करके बोलते हैं अरे भाई साहब सेम ब्लॉग है, इसलिए पूरा डिवाइड किया हम लोग। तो दोस्तों इसी में आ चुका है डिनर, तो ये है कद्दू के साथ और झींगा के साथ मिर्ची की चटनी और आलू के फ्राई, और ये है मछली के साथ बैम्बो के सूट। अभी खाते हैं खाना, तो मेरे पास है एक किंग चिल्ली और जो मिर्ची की चटनी है, फिर भी मैं इस किंग चिल्ली को खा कर फिनिश कर दूंगा। तो हम लोग खाना खा रहे हैं आजू बाजू में, एक तो ग्रास ऊपर चिल रहा है उसको मैं वहाँ से भगा दूंगा बाद में। मीठा है भाई का फिनिश करो, तभी करेंगे अभी। खाना खाया हूँ मैं। सो अभी सोने का वक्त हो चुका है, तो बारिश भी होगा शायद, एक दो बूंदे गिर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं, तो कल से सुबह से मिलेंगे वो शाम को तो मिल जाएंगे। तो बाय दोस्तों और गुड नाइट भी। वाह बढ़िया लग रहा है भाई साहब। तो आप लोग मुझे बहुत ही अच्छा अच्छा कमेंट देते हैं, तो इसलिए मुझे मोटिवेट मिलता है, इसलिए मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ। तो जितना हो सके आप लोग मेरा वीडियो पे बढ़िया बढ़िया कमेंट कर दीजिए और लाइक भी ठोक दीजिए। बाय बाय और गुड नाइट।